ओके okay, ग्रेट uh, तो आज के क्लास में हम दिल्ली सुल्तनेट के थर्ड फैमिली तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने 94 इयर्स के लिए रूल किया था दे रूल्ड फॉर 94 इयर्स uh, पिछले क्लास में मैंने जैसे पढ़ाया था काफी लोगों ने बोला था कि वो बहुत हैवी हो गया था और उनको ज्यादा वीडियोस वगैरह देखनी है तो इस क्लास के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ढूंढे हैं और मैं अलग अलग वीडियो का अलग अलग पार्ट प्ले करूंगी आप लोगों को चीजें समझाने के लिए लेकिन उसके लिए एक चीज है कि आपको बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखना होगा और मैं जो बोल रही हूँ वो भी बहुत ध्यान से सुनना होगा क्योंकि वीडियो में वो लोग स्टोरी को दिखा रहे हैं एनिमेशन में लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी ठीक है तो ध्यान से सुनना अगर कोई भी बात नहीं समझ आए तो क्लास के बाद आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो तो स्टार्ट करने से से पहले जल्दी से हम अपना मैप वाला वीडियो देखते हैं जल्दी से मैथ्स वाला वीडियो देखते हैं तो ये वाले वीडियो में उन्होंने हमें ये इंडिया के मैप पे दिखाया है कि कैसे अलग अलग राजा आए उन्होंने क्या किया किसने अपना एक्सपेंड किया किसका एरिया कम हुआ और ये सारी चीजों को मैप के थ्रू बताया है तो मैं ये पार्ट भी आपको जरूर बताना चाहती हूं आ, पूजा एंड विग्नेश आर आल्सो हियर। ओके मौर्या एम्पायर ये सब तो हमने पढ़ा है Let's just check, कब स्टार्ट होता है 1206 में तो हम यहाँ पे 1206 पे जाके देखते हैं कि दिल्ली सुल्तनेट में क्या हो रहा है ओके okay. राइट uh, right. तो अगर आप यहां देखोगे 1206 में ये बीच वाले एरिया में डेली सुल्तनेट नाम का एक किंगडम uh, बन जाता है जहां पे राजा है और उन्होंने ये पूरा एरिया ले रखा है जिसको वो डेली सुल्तनेट बोलते हैं डेली सुल्तनेट के फर्स्ट दो पार्ट हमें कवर कर लिए हैं हम आज के क्लास में कवर कर रहे हैं तुगलक डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड था 1320 ट्वेंटी टू एंड uh, उनका काफी बाद में था तो हम अभी 1320 पे जाके देखते हैं कि जब तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुआ तो उनके पास कितना जमीन था और उन्होंने कितना खुद को एक्सपेंड किया बाद में ओके आई विल प्ले द वीडियो 1320 के बाद से हम ध्यान से देखते हैं अभी 1316 18 19 ओके okay. तो अगर आप देखो 1320 के स्टार्ट होते ही ये दिल्ली सुल्तनेट नीचे नीचे की तरफ फैलता जाता है मैं फिर से थोड़ा पीछे ले जाती हूं तो दिल्ली सुल्तनेट जो अभी तक सिर्फ ये ऊपर एरिया तक था वो 1320 के बाद नीचे की ओर जाने लगता है तुगलक डायनेस्टी ने ये दिल्ली सुल्तनेट का जो पूरा एरिया है उसको और भी फैलाया साउथ इंडिया की तरफ लेट्स वॉच इट ऑन द मैप Here, आप देखो कैसे थोड़ा थोड़ा ये ग्रीन वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है राइट right? तो ये खिलजियों ने किया और यहां से तुगलकों ने किया और इंक्रीज होते ही काफी जल्दी वो डिक्रीज भी हो गया और वा, वापस वही साइज पे चला गया जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था और आप देख सकते हो कैसे टाइम के साथ वो दिल्ली सुल्तनेट वाला एरिया छोटा होता जाता है और फिर नेक्स्ट वाले किंग आते हैं जो है सैयद डायनेस्टी ठीक है अभी हम ये समझेंगे कि एक एक किंग कौन थे उस टाइम पे उन्होंने किस तरह की चीजें करी और आ, तुगलक डायनेस्टी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए आज के क्लास के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं तो प्लीज ध्यान से सुनना और ध्यान दे के देखना आज हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो तुगलक डायनेस्टी में चार किंग्स थे ठीक है इसको स्टार्ट किया था तुगलक ने उसके बाद उनके बेटे आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर मोहम्मद के कजन आए थे यानी उसके आ, कोई रिश्तेदार का बेटा आ, जो था फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बाद ही तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गया काफी कम आ, लोग थे खाली तीन किंग्स थे जैसे आप देख सकते हो लेकिन वो काफी काफी लंबे टाइम तक उन्होंने रूल किया था तीनों ने मिला के ऑलमोस्ट 94 फोर के लिए आ, डेली सुल्तनेट पे रूल किया था तुगलक का नाम हमने कहाँ पे सुना है इससे पहले अः तो जब हमने खिलजी डायनेस्टी का एंड वाला पार्ट किया था तो खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे उनका नाम कैकुबाद था कैकुबाद को मारा गया था घाजी मलिक के द्वारा घाजी मलिक नाम का एक आदमी था जिन्होंने Uh, कैकूबाद को मारा था और मारने के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज किया और बनाया घियासुद्दीन तुगलक और वहां से चालू हुई तुगलक फैमिली या तुगलक डायनेस्टी की कहानी ठीक है uh, तो पहला वीडियो देखते हैं कि ये घियासुद्दीन तुगलक कौन है और उसने क्या क्या किया ओके uh, ओके okay. uh, तो आज के क्लास का फॉर्मेट क्या होगा कि मैं इस तरह का एक वीडियो प्ले करूंगी लेकिन मैं ऑडियो ऑफ रखूंगी और मैं ही आपको समझाऊंगी जो भी वीडियो में बताया जा रहा है आई एल एक्सप्लेन इट टू यू क्योंकि ये पूरी वीडियोस इंग्लिश में है जो शायद आपको पूरी तरह से ना समझना है ओके okay. तो खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे मुबारक शाह खिलजी और उनको पीने की बहुत आदत थी वो बहुत ज़्यादा पीते थे और उनको ये भी लगता था कि वो खुद बेस्ट हैं उन्हें लगता था उन्हें सब पता है और सारे डिसीशन्स उन्हें उन्हें ही लेना चाहिए वो खुद को भगवान भी मानने लगे थे जिसके वजह से लोग तो ज़्यादातर खुश ही रहते थे लेकिन दूसरे लोग थे जिनको इस ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी कि कोई राजा होके इतना पीता है और लोगों के सामने गिरता है ये सारी चीजें करता है तो लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे फिर खुसरो खान नाम का कोई था और उन्होंने मार दिया उन्हें ओके okay, तो गाजी मलिक ने फिर आके लास्ट वाले किंग को मारा ये है गाज़ी मलिक जिन्होंने अपना नाम बदल के रखा गियासुद्दीन तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी के पहले राजा है। आ, फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया ओके, इसको मैं ऑडियो के साथ ही प्ले करती हूँ मैं पॉज कर करके आपको समझाऊंगी फिर

उन्होंने क्या किया था कि जो भी ट्रेजरी होती है मतलब जब भी कोई एक राजा रूल करता है तो उनके पास पेटी भर भर के सोना रहता था उनके पास गहने रहते थे उनके पास बहुत सारा पैसा रहता था तो अः तुगलक के आने के पहले जो किंग थे खुसरो खान उन्होंने क्या किया था कि ये जो सारी पेटी भर भर के दौलत है उन्होंने लोगों में बांट दी थी और जो बड़े बड़े उस टाइम पे सूफी सेंट हुआ करते थे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी थी एक सूफी सेंट की अलाउद्दीन औलिया तो उन जैसे लोगों को उन्होंने पेटी भर भर के सोना दे दिया था और जो भी किंगडम के पास पैसे थी दौलत थी वो सब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों के बीच में तो जब गियासुद्दीन तुगलक ने आके तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट की तो किंगडम के पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि जो भी पैसे थे वो खर्च हो चुके थे या किसी को दिए जा चुके थे एक

तो गियान तुगलक ने क्या किया कि पावर में आते ही उन्होंने एक बड़ा सा किला बनाया एक फोर्ट बनाई जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें थी क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता था कि बाहर के कोई आएंगे और वो हम पे राज करने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे अगर आप देखो हर एरिया में एक राजा रहता था और हर जगह के राजा दूसरे जगह के दूसरे जगह को कब्जा करने की कोशिश करते थे वो लोग सब अपने अपने किंगडम को बढ़ाने की कोशिश करते थे

जो दिल्ली के ही आसपास में था और वहां पे उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई ताकि अगर कोई दुश्मन आए वो अंदर ना आ सके और अगर कोई लड़ाई का सिचुएशन हो तो वो लोग किंगडम uh, के अंदर एंटर ना हो पाए इसलिए आप देख सकते हो कैसे लंबी लंबी दीवारें उन्होंने बनाई प्रोटेक्शन के लिए he was तो ये जो उनका फोर्ट था यानी उनका जो किला था उसके आसपास उन्होंने दीवार बनाई छह किलोमीटर लंबी तो ये छोटी सी दीवार नहीं थी ये बहुत ही लंबी दीवार थी अगर हम छह किलोमीटर रास्ता नापेंगे तो वो नानापेट नाना पेट से लेके ऑलमोस्ट कोंडवा के स्टार्टिंग तक होगा राइट तो उतना लंबा सा उन्होंने एक दीवार बनाया अपने किले के बाहर ताकि कोई उसके अंदर ना आए Interestingly though some believe he pioneered the concept of strong sloping walls with layers at the bottom to ensure the gunpowder wouldn't shake the foundations of his wall and he would remain safe from any kind of explosions at all. The slope also didn't allow any ladders to be placed against the wall so bandits could not climb in. तो एक जो नई चीज उन्होंने करी थी कि ये जो दीवारें हैं उन्होंने एकदम स्ट्रेट नहीं बनाई. तो इससे पहले राजा क्या करते थे एकदम सीधी सीधी दीवारें बनाते थे. लेकिन वो दीवारें ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाती थी अगर कोई तरह का बम फोड़ा जाता था या कोई तरह की बंदूकें चलाई जाती थी तो काफी टाइम ये दीवारें टूट जाती थी कभी कभी चोर आते थे या फिर लोग आते थे चुराने के लिए और वो लोग इन्हीं दीवारों पर सीढ़ी लगा के चढ़ के चले जाते थे तो इन्होंने क्या अलग किया अपने दीवार के साथ कि उनके दीवारों पे स्लोप्स हुआ करती थी तो आप देख सकते हो कि एकदम स्ट्रेट दीवार नहीं है दीवार यहाँ थोड़ी स्ट्रेट है लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो बेंड होती है इसके वजह से कोई इस पर सीढ़ी चढ़ा के नहीं चढ़ सकता है और ये टूटने टूटने में में भी भी इतना आसान से नहीं टूटता है। में भी उसको है। उसको टाइम लगता तो ये एक चीज है जो ग्यासुद्दीन तुगलक ने अलग की थी That the general who finished this work first would win his favor forever, just like our <coughs> teachers <coughs> do until today. <laughs> this manipulation got the work done in just two years, that too, without a single machine being used. That's commendable. This is also when the tug of power with Nizamuddin Olya reached his. So, और एक्चुअली में वो ज्यादा टाइम लगता था क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मशीन नहीं होती थी सबको चीजें हाथ से बनानी होती थी ईट भी हाथ से ही बनता था और कोई भी तरह का मशीन वगैरह नहीं हुआ करता था तो उसके लिए काफी टाइम लगता था लेकिन उन्होंने बोला था कि जो भी इस प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करेगा मैं जिंदगी भर उसको पैसे देता रहूंगा और उसको उसका देखभाल करूंगा तो बहुत सारे लोग कंपटीशन में थे कि हमें कंप्लीट करना है ताकि हमें अः हमारी देखभाल राजा करे और हमारी फैमिली की देखभाल भी राजा करे राइट right? तो जब राजा बोलता है कि अगर आप करोगे मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा आपको ये दूंगा वो दूंगा तो लोग लालच में आके करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से दो साल में उन्होंने अपना छह किलोमीटर वाला दीवार और उनका फोर्ट दोनों बनवा लिए जो उस टाइम पे ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता था लोगों को लगता था यार अगर तुम पैलेस बना रहे हो या अगर तुम दीवारें बना रहे हो इतनी लंबी लंबी तो काफी टाइम लग सकता है उसमें लेकिन दो सालों में हो गया था तो मैंने आपको जैसे बोला था कि इनके पहले जो राजा थे उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया था अलग अलग सूफी सेंट को और उनमें से एक सेंट का नाम था निजामुद्दीन औली सूफी सेंट का मतलब है वो जो जिन्होंने कुरान पढ़ा था और वो जो ज्यादातर जो दरगाह होता है या जो मॉस्क होता है उसको संभालने का काम करते थे निजामुद्दीन औलिया तो इनके पहले जो राजा थे खिलजी डायनेस्टी के उन्होंने बहुत सारा पैसा इनको दे दिया था

तो क्या हुआ कि ये जो औलिया था जो वो सूफी सेंट था उसको वो कुआं बनाना था और वो क्या करता था कि वो पहले पहले लोगों को आ, लोग मानते थे कि अगर वो किसी को ठीक करना चाहते हैं वो बीमारी खुद से ठीक कर सकते हैं और वो फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि आगे जाके क्या होगा तो लोग उनमें बहुत मानते थे तो ये जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला ठीक है राजा ने हमको बोला है कि हमें सिर्फ इस पे काम करना है तो हम दिन के टाइम में पूरा हम राजा का ही काम करेंगे लेकिन रात को हम जाके निजामुद्दीन औलिया को हेल्प करेंगे उनका कुआं बनाने के लिए लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे बिजली नहीं हुआ करती थी तो रात में कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल होता था तो उन्होंने बहुत सारा तेल खरीदा और तेल के जो आ, लैंटर्न होते हैं आ, आप लोगों को समझ आता है लैंटर्न क्या है ड्यूनो वाटर लैंटन दीदी ओके एक सेकेंड तो ये आप देख रहे हो लैंटन इधर लेफ्ट साइड में जो दिया गया है यहाँ पे तेल भरा जाता है और ऊपर से जलाया जाता है अगर आप गांव में देखो आपको इसी तरह के अलग अलग दिख जिसमें या तो तेल या तो केरोसिन डलता है और फिर ऊपर से वो जला के उसको यूज करते हैं जहां बिजली नहीं होती है अः uh, आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा या तो गांव में या तो दादा दादी के पास नाना नानी के पास इस तरह के लैंटर्न आपने देखे होंगे लेटमी शो यू वन मोर एक टू Yes, आपने इस तरह के लैंटर्न देखे होंगे पहले जहाँ पे तेल भरा जाता है और फिर उसको जलाया जाता है और तेल खत्म होने तक वो जलता रहता है यस यू हैंड दीदी हमारे पास है ये हाँ। दीदी हमारे पास भी है मेरे भाई के पास है काफी लोगों के पास ये घर पे होगा जब बिजली जाती है तो घर में कभी कभी हम लैंटर्न लगाते हैं कोई कोई लोग कैंडल भी यूज करते हैं लेकिन पुराने जमाने में लैंटर्न ज्यादा यूज होता है। okay, तो क्या हुआ कि आ, वर्कर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम सुबह के टाइम में राजा के लिए काम करेंगे रात के टाइम में हम निजामुद्दीन औलिया के लिए कुआं बनाएंगे क्योंकि वो इतने महान हैं उनको सब पता है वो फ्यूचर भी बताते हैं हम कैसे उनका काम रोक सकते हैं तो रात को वो इसी तरह से तेल लैंटर्न में डाल के रात भर वहां पे काम करते थे और फिर जब गियासुद्दीन को पता चला कि ये वर्कर्स रात को जाके वहां काम कर रहे हैं तो उन्होंने तेल का सेल ही बंद कर दिया तो जितनी भी सिटी में तेल थी जो लोग खरीद सकते थे वो पूरा उन्होंने खरीद के अपने पास रख लिया राइट ही बॉट द ऑल द ऑयल एंड ही केप्टिम हिमसेल्फ Uh, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ मुस्फिरा तहुरा आई होप यू कैन सी इट नाउ तो जो लोग तेल यूज करते थे लेंटर के लिए जब उन्होंने तेल ही पूरा गायब कर दिया अपने पास पूरा तेल रख लिया तो लोगों को रात को काम करना मुश्किल लगता था अभी देखते हैं ये वीडियो में और क्या बताते

Pretty sneaky, we'll give you that. Giyasuddin found out and stopped the sale of oil so that nobody could work at night. A little harsh, but his word as a sultan was the law. This angered Olia so much that he cursed the fort, saying that it would only be an abode to jackals and gujjars, nomads and herdsmen. After this, तो जब निजामुद्दीन औलिया को मालूम पड़ा कि ये जो राजा है उन्होंने तेल ही बंद कर दिया है और जो वर्कर्स हैं वो लैंप नहीं जला पा रहे हैं वो रात को काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया या कर्स कर्स जिसको हम हिंदी में श्राप बोलते हैं तो उन्होंने क्या श्राप दिया उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो किंगडम है वहां पे सिर्फ लोमड़ी आएंगे जो जैकल बोलते हैं जो वाइल्ड में एनिमल्स रहते हैं और तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जिनका कोई घर नहीं होगा जो भटक रहे होंगे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली कि तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा तुमको पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हारा किंगडम डूब जाएगा ये सारी चीजें उन्होंने श्राप में बता दी तो किसी का तो माइक ऑन हुआ ओके नो प्रॉब्लम लेट्स प्ले वीडियो

जब उन्होंने सुना कि इसने मुझे श्राप दिया है उनको और भी गुस्सा आया तो उन्होंने बोला कि मैं जब तक दिल्ली वापस आ जाऊं मुझे वो ओलिया वहां से निकालो ये जो भी सूफी सेंट हो जो भी हो उनको वहां से निकालो उनको शहर से निकाल दो मैं वा वापस नहीं आऊंगा जब तक वो चले नहीं जाते तो जब कोई मैसेंजर या जो खबर लेके जाता था जब उसने गया जब वो खबर लेने वाला गया निजामुद्दीन औलिया के पास और उन्होंने बोला कि राजा ने बोला है आपको दिल्ली खाली करनी पड़ेगी आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि आप वर्कर्स ले ले रहे हो आपने पैसे भी पहले से लिए हुए हैं और आप ये कुआं बना रहे हो और आप उनके वर्कर्स को रात में काम करवा रहे हो तो उन्होंने आपको यहाँ से जाने को बोला है.

and he was trampled by elephants, This resulting in chaos. कुछ हाथी थे वाइल्ड हाथी थे और वो हाथी उन्हें टेंट के ऊपर चल दिया और उसी से वो मर गए और बहुत लोग मानते हैं कि ये जो निजामुद्दीन औलिया का श्राप है वो सच आया

तो एक और स्टोरी जो मानी जाती है वो ये है कि जो घियासुद्दीन तुगलक का बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक उसी ने टेंट बनाया था और उसने इस तरह से टेंट बनाया ताकि वो गिर जाए क्योंकि वो अपने पापा को मारना चाहता था ताकि वो खुद राजा बन सके तो मैं जब भी किंग्स की बात करती हूँ या उस टाइम पे किंगडम्स की बात करती हूँ ये चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी कि जो भी बेटा रहता था वो राजा को मार देता था वो खुद राजा बनता था फिर उसका कोई भाई आके इसको मार देता था वो राजा बनता था फिर उसका बेटा आके मार देता था तो इसी तरह से वो अः राजाएं चेंज होते थे बहुत ही कम हम देखते हैं कि राजा ने पूरा टाइम रूल किया और बुढ़ापे में जाके उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया बहुत टाइम राजाएं मर जाते थे और उनके वजह से उनके बेटों को वो पावर दे दिया जाता था

गियासुद्दीन तुगलक ने एक और चीज की थी कि उन्होंने एक टूम बनाया था एक ऐसी जगह बनाई थी जहां उन्होंने बोला था कि जब मैं मर जाऊंगा मुझे यहाँ पे दफनाया जाएगा और तुरंत ही वो मर गए और उनको दफनाना पड़ा वहीं पे ओके आ जल्दी से प्रेजेंटेशन में जाके देखते हैं कि हमने क्या लिखा है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में जो इनका नाम पहले गाजी मलिक हुआ करता था उन्होंने लास्ट खिलजी किंग कायकुबाद को मारा और वहां से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई 1320 में अभी हमारा ईयर चल रहा है 2020 और यहाँ पे बात हो रही है 1320 की मतलब आज से 700 साल पहले उसके बाद जब उन्होंने कायकुबाद को मार दिया उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और उनको जाना जाने लगा गियादीन तुगलक के नाम से उन्होंने अपने लिए एक टूम बनाया तुगलकाबाद में और उन्होंने तुगलकाबाद में एक फोर्ट भी बनाया और एक वॉल भी बनाई ही ऑल्सो फोर्ट एंड ए सिक्स किलोमीटर लॉन्ग वॉल स्लोपिंग वॉल राइट तो ये बहुत ही बढ़िया चीजें उन्होंने करी थी और कुछ लोग मानते हैं कि उनका डेथ एक्सीडेंट के वजह से हुआ जो टेंट और एलिफेंट्स का स्टोरी है और कुछ लोग मानते हैं कि उसके बेटे ने ही उनको मार दिया मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक उनका बेटा राजा बन गया अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक किस तरह का राजा था और उसने क्या-क्या किया क्या क्या? यहां तक सबको समझ में आया डिड एवरीवन अंडरस्टैंड क्या-क्या हुआ है अभी तक yes ओमकार सॉरी दीदी गलती से नो प्रॉब्लम दे विल बी ओके okay, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि इससे पहले खिलजी डायनेस्टी था तो हमने यहाँ पे देखा है आ, कि इससे पहले खिलजी डायनेस्टी था खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे कैकुबाद उनको मारा गाजी मलिक ने और फिर उन्होंने अपना नेम चेंज करके रख दिया गया सुसुदीन तुगलक और वहां से स्टार्ट हुई तुगलक डायनेस्टी की कहानी तुगलक डायनेस्टी में उन्होंने क्या किया कि जब वो राजा बने उन्होंने देखा कि राजा का जो भी पैसा होता है जो भी आ, उनका आ, वेल्थ होता है वो उन्होंने दे दिया था निजामुद्दीन औलिया को जो सूफी सेंट थे और दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा था क्योंकि जब ये फोर्ट बना रहे थे और वॉल बना रहे थे सेम टाइम पे निजामुद्दीन औलिया वहां पे एक कुआं बनाने की कोशिश कर रहे थे लोगों के लिए और वर्कर्स की आ, वर्कर्स के बीच में कन्फ्यूजन था कि हम राजा के लिए काम करें या ये सेंट के लिए काम करें क्योंकि इतने महान हैं और इन्होंने श्राप दिया और फिर मोहम्मद बिन गियासुद्दीन तुगलक ने बोला कि नहीं नहीं मैं वापस आऊंगा मेरे जंग से तब तक इसको निकालो और उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊंगा वो तो दिल्ली कभी आएगा ही नहीं और फिर वो मर गया ठीक है ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट किंग जो है मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक का बेटा था और उसकी हम स्टोरी जानने वाले हैं यस yes, रूबिया दीदी वो कुए का क्या हुआ फिर कुआ तो बन गया एंड में और अभी भी हमें वो कुआ देखने को मिलता है वहां पे दिल्ली में फोर्ट भी बन गया लेकिन यही है कि दोनों के बीच का जो झगड़ा था वो कभी खत्म नहीं हुआ जो राजा और निजामुद्दीन औलिया के बीच में झगड़ा होता था वो कभी खत्म नहीं हुआ मैंने आपको निजामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ा सा तो बताया था लेकिन अगर आप वो सॉन्ग सुनोगे कुन फाया कुन वहां पे उन्होंने मेंशन किया है उसका नाम जो सॉन्ग का स्टार्टिंग है वो स्टार्ट ही होता है वही वर्ड से या निजामुद्दीन औलिया तो वो इस तरह के जो सूफी गाने होते थे वो गाने लिखते थे पोएट्री लिखते थे और उन्होंने कुरान पढ़ा था और वो एक टीचर भी थे निजामुद्दीन लेटमी प्लेट सॉनिया तो यहाँ पे जो निजामुद्दीन औलिया की बात हो रही है वो यही निजामुद्दीन औलिया है जिसके झगड़े हो रहे थे गियासुद्दीन तुगलक के साथ लेट्स हियर दैट अगेन और अगर आप चाहते हो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो निजामुद्दीन औलिया क्लास के बाद और आप जाके पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है उनके बारे में निजामुद्दीन औलिया अः सॉन्ग्स तो है ही लेकिन थोड़ी थोड़ी वीडियोस भी हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया कौन है तो यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो व्हाइट एंड रेड में यही वो बिल्डिंग है जो उस टाइम पे बन रही थी ओके लेट्स गो बैक टू द वीडियो और हम देखते हैं कि ये जो गियासुद्दीन तुगलक का बेटा है मोहम्मद बिन तुगलिक तुगलक वो कैसा था

उन्होंने कुरान की पढ़ाई की थी उसके अलावा उन्होंने लॉ या जो कानून या नियम होते हैं उसकी भी पढ़ाई की थी उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई की थी कि प्लैनेट स्टार्स क्या होते हैं कैसा होता है कैसे चलती है ये चीज़ें और उन्होंने मेडिसिन की भी पढ़ाई की थी कि दवाइयाँ कैसी बनती है बीमारियाँ क्या होती हैं ये सारी चीज़ों की पढ़ाई उन्होंने की थी तो उस टाइम में किंग्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे लेकिन मोहम्मद बिन तुगलिक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे Had a lot okay, let's watch the medicine. in 1321, his father, remember that guy, who he respected greatly, sent him for war against the city of varangal in south india. after initial rebuttals, he succeeded in bringing the rebellious hindu rajas under control. as mentioned in the previous video, he was a great son and had his father murdered. i might have lied about the respect part. His father, Ghiyasuddin Tughlaq, was returning from a battle in Bengal. When on the pretext of displaying fake respect, Uluk Khan built a rest house for his father near present-day Meerut. However, it was a weak structure designed for instant demolition. During a celebration, elephants ran over it, causing the tent to crumble and Ghiyasuddin, who was within, to die. Exactly तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि वो बंगाल से जब वापस आ रहे थे उनके बेटे ने उनके लिए टेंट बनाई और वो टेंट तुरंत ही गिर गई और उसके ऊपर हाथी आ गए और उसी से गियासुद्दीन तुगलक का डेथ हो गया। ठीक वो फ्रेंड उलुक खान हैड वांटेड। Within three days after the death of his father, he took over the throne with the title Muhammad bin Tughlaq। तो इनका जो न

वो अपने ही लोगों को भी मारते थे और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट देते थे तो अगर कोई चोर पकड़ा जाता था तो वो चोर के हाथ काट दिए जाते थे अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको फांसी दी जाती थी और अलग अलग तरीके होते थे लोगों को टॉर्चर करने के लिए तो काफी लोग इनको एकदम ही पागल समझते थे कुछ लोग बोलते थे कि ये बहुत ही ज्यादा पागल है

उन्हें वहां पर रहने का मन नहीं किया तो उन्होंने फिर शिफ्टिंग के बारे में सोचा अब देखते हैं कि वो कहाँ शिफ्ट करने का सोचा। Finding the walls of Meroli, which is where Qutub Minar is today, and Siri near present-day Hoskhas, to create the fourth city of Delhi, which was called Jahapanah. In some strange change of thought, though, he decided to shift his capital in 1327 from Delhi to the geographical center of his empire in Diogiri, now Dalatabad in Maharashtra. तो उन्होंने अपना कैपिटल सिटी चेंज कर दिया तो उस टाइम पे क्या था कि कैपिटल सिटी दिल्ली हुआ करती थी जो कि यहाँ पे है और दिल्ली सुल्तनेत भी पूरी ऊपर के एरिया में ही रहती थी तो वो ठीक था लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये दिल्ली सुल्तनेट का एरिया नीचे की तरफ फैलने लग गया तब उन्हें लगा कि ये जो दिल्ली स्पॉट है वो एक्चुअली बहुत दूर पड़ रहा है नीचे वाले एरिया से तो यहाँ साउथ वाले पार्ट में क्या हो रहा है सब ठीक चल रहा है कि नहीं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हम अपने पूरे कैपिटल सिटी को ही शिफ्ट करके कहीं बीच में रखते हैं ताकि ऊपर वाले एरियाज में क्या हो रहा है नीचे वाले एरियाज में क्या हो रहा है सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचे क्योंकि हम सेंटर में तो जहां पे उन्होंने शिफ्ट किया वो एक्चुअली इस टाइम में महाराष्ट्र में गिरता है जिस एरिया का नाम दौलताबाद है पहले उसका नाम देवगिरी हुआ करता था और अभी उसका नाम दौलताबाद है तो उन्होंने कैपिटल सिटी को शिफ्ट किया लोग रहा करते थे उन्होंने सबको बोला शिफ्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि राजा को मूव करना है तो खाली राजा जाएगा वो पूरे शहर को ही लेके जाना चाहता था और वो जो ट्रिप था डेली से लेके दौलताबाद तक वो एक्चुअली 40 दिन का ट्रिप था और उस टाइम पे उतना घोड़े की जो सवारी होती है तो घोड़े का जो कार्ट होता है हॉर्स ड्रिवन कार्ट वो एक्चुअली उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था क्विकली शो यू तो इस तरह की जो हम चीजें देखते हैं कि एक तरह की गाड़ी हो जो घोड़े से ड्राइव होती हो ये चीजें तभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी तो कुछ लोगों के पास घोड़े थे और काफी लोग पैदल चल के जाते थे तो जब उन्होंने पूरे सिटी को शिफ्ट करने के लिए बोला चालीस दिन के लिए उनको चल चल के जाना पड़ा दिल्ली से लेके दौलताबाद तक रूबिया एक सेकंड रुक जाओ मैं ये पॉइंट कवर कर लू योर क्वेश्चन तो आप इमेजिन करो आपको कैसा लगेगा आज, आ, आ, ने बोला कि हम मुंबई पुणे में नहीं रहेंगे हम सब औरंगाबाद जाएंगे और उन्होंने पूरे मुंबई पुणे को बोला कि आप सब अपना बोरिया बिस्तर बांधो अपना घर बंद करो और मेरे साथ चलो औरंगाबाद और ये नहीं कि जिसको आना है आओ सबको जबरदस्ती आना पड़ेगा तो ये चीजें लोगों पर कैसे इफेक्ट होती होंगी रूबिया आपका एक क्वेश्चन था पूछो दीदी वो ओके नो प्रॉब्लम तो आपसे मैं अभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि समझो अभी आ, मैं आपको बोलती हूँ कि मैं क्लासेस सिर्फ कोंडवा में लूंगी आप सबको नाना पेट से कोंडवा शिफ्ट होना ही पड़ेगा आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आप लोगों को कैसा लगेगा आपको नाना पेट छोड़ के कोंडवा में आके रहना पड़ेगा सबको ऐसा नहीं कि जिसको मन है वो आओ मैं अगर बोलूं सबको जबरदस्ती कोंडवा ही शिफ्ट होना पड़ेगा हाउ विल यू फील यस रूबिया एंड देन सुहानी दीदी बुरा लगेगा शिफ्ट होने के टाइम पे yes. मजबूरी में ऐसा लगेगा यस yes, बुरा लगेगा मजबूरी लगेगी यस yes, सुहा दीदी बुरा भी लगेगा और थोड़ा गुस्सा भी आएगा यस yes, बुरा भी लगेगा गुस्सा भी आएगा अभी अगर आप समझो कि आ, मैं आपसे कहूँ कि आपको गाड़ी ऑटो ट्रेन बस कुछ भी नहीं मिलेगा आपको अपना पूरा घर और अपनी फैमिली को लेके चल चल के आना पड़ेगा नाना पेट से लेके कोंडवा तक पूरा अपना घर का सामान लेके तब आपको कैसा लगेगा अगर आपके पास जाने के लिए कोई गाड़ी ना हो कुछ ना हो पूरा सामान पूरी फैमिली बच्चे बच्चे सबको लेके आपको चल चल के जाना हो नाना पेट से कोंडवा जो आपको पता है काफी दूर है फिर कैसा लगेगा आपको और सबको आना पड़ेगा ऐसा नहीं किस कि खाली चार पांच लोग आएंगे यस yes, सोनी दीदी टेंशन आएगा कैसे जाने का वो सोच के यस yes, टेंशन आएगा गुस्सा आएगा यस रूबिया दीदी इतना आपका माइक ऑफ हो गया यार हाँ बोलो बोलेंगे यार क्या मुसीबत हो गई ये मुसीबत लगेगी तो हम सोचेंगे यार ये क्या मुसीबत हो गई और उसको हम मुसीबत की तरह ही सोचेंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ था के के लोगों के साथ क्योंकि सबको बोला गया था आप सबको हमारे साथ दिल्ली से दौलताबाद आना है अपना पूरा सामान पैक करो अपने साथ में जो भी फैमिली है सबको लेके चलो हम चलते चलते जाएंगे फोर्टी डेज के लिए वो चल रहे थे फोर्टी डेज मतलब एक महीना के भी ऊपर तो आप सोचो अगर आपको पूरा सामान लेके रोज रोज थर्टी डेज तक चलना पड़े राइट और उस टाइम पे रोड्स नहीं हुआ करती थी बीच बीच में जंगल हुआ करते थे जंगल में वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे जंगलों में लूटने वाले भी लोग होते थे जो आके पूरा सामान लूट लेते थे या फिर किसी का खून कर देते थे तो उस टाइम पे ट्रैवल वैसे भी करना काफी अनसेफ हुआ करता था उसके ऊपर इन्होंने बोला कि सबको जाना ही जाना है चल के ही जाना है चाहे कितना टाइम लगे चाहे जो भी प्रॉब्लम हो आप सबको आना पड़ेगा उसके बाद देखते हैं क्या हुआ इन द मास माइग्रेशन तो हर सौ लोगों में से तीस लोग मर गए रस्ते में तो आप सोच सकते हो कितने सारे लोग मरे होंगे राइट right? Uh, बहुत बहुत सारे लोग मर गए थे किसी का या तो एनिमल्स के वजह से मर गए थे पानी के वजह से ठंड के वजह से गर्मी के वजह से चलने के वजह से थकान के वजह से अलग अलग रीजन के वजह से बहुत बहुत सारे लोग मर गए थे ये शिफ्टिंग के दौरान इसके वजह से काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपने डिसीशन्स को अच्छे से सोचता नहीं था अगर वो कोई डिसीशन ले रहा है अगर वो कोई निर्णय ले रहा है वो उसके बारे में अच्छे से सोचता नहीं था कि इससे किसका भला होगा किसका बुरा होगा अगर उसके मन में कुछ आया करने के लिए वो जाके कर देता था चाहे लोग मरे चाहे उनके साथ ज्यादा हो, हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ती थी यस रूबिया अपने हाथ ऊपर किया, किया? ये हाँ। क्या यस दीदी दीदी वो आके लोग क्या दीदी तो उस टाइम राजाओं का रूल भी ऐसा था राजा सारे थोड़े से क्रेजी हुआ करते थे जहां वो बोलते थे कि तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा और अगर लोग उसको नहीं करेंगे तो वो लोगों को मार डालते थे कि तुमने राजा को डिसरेस्पेक्ट किया तुमने राजा की बेजती कर दी राइट तो उस टाइम पे इतना स्ट्रिक्ट हुआ करता था कि लोगों को डर लगता था कि हम मना करें भी तो कैसे करें और अगर हमने मना कर दिया तो क्या हम बचेंगे उसके बाद या क्या वो हमें मार देगा राइट तो लोगों के मन में डर भी होता था कि हम इसको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके वजह से लोगों को जबरदस्ती जाना पड़ा बहुत सारे लोग रस्ते में ही मर गए ओके, इसके आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है was so फिर क्या हुआ कि जब ये सारे लोग तुगलकाबाद में शिफ्ट हो गए दो तीन साल तक सब ठीक चल रहा था लेकिन दो तीन साल में पीने का पानी खत्म होने लग गया उनके पास पानी नहीं बचा और जब पानी नहीं बचा तो उन्होंने सोचा अभी यहाँ रह के क्या करेंगे पानी ही नहीं है हमें फिर से वापिस जाना पड़ेगा फिर उन्होंने सारे लोगों को लेके वापिस सबको डेली में शिफ्ट किया और ये वापस आते वक्त भी कितने सारे लोग मर गए तो ये जो उनके डिसीशन हैं या उनके निर्णय हैं उससे बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंची या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई और लोग उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते थे लेकिन सबके मन में गुस्सा था कि आदमी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है और हम सबको अपना पूरा लाइफ बदलना पड़ता है इसके हिसाब से तो लोग ज्यादा खुश नहीं थे इससे इससे पहले लोग राजाओं से काफी टाइम खुशी रहते थे क्योंकि पैसे मिलते थे राजाओं के पास बहुत सारा पैसा होता था अगर किसी ने अच्छा काम किया तो वो, वो पैसे देते थे उनको अच्छी तरह ट्रीटमेंट मिलती थी आ, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उन्होंने क्या देखा कि उसके मन में जो भी आता है वो करता है अगर उसका आज मन किया कि हम पूरा कैपिटल ही शिफ्ट कर देंगे दिल्ली से तुगलकाबाद वो कर देगा और वो पूरे सिटी को ही बोलेगा सब लोग मेरे साथ चलो रास्ते में अगर लोग मर गए अगर वाइल्ड एनिमल्स के वजह से चोरी हो गई ये हुआ वो हुआ इन सारी चीजों से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था और इससे लोग बहुत इरिटेटेड हुए थे At the river Yamuna. He then decided to change the coin system. At that time only gold coins were used as currency. Can you imagine buying packets of chips with gold now? His then big idea was the introduction of coins of other metals like copper and brass like we do it now made at special Right. So now if you look at our coins, coins of this time the 10 rupee coins the coin made of 5 or 10 वो एक्चुअली एक बहुत ही सस्ते मेटल से बनाया जाता है राइट स्टील के तरह का एक मेटल होता है उसी से बनाया जाता है और एक्चुअली में एक कॉइन बनाना दस रुपए लगता नहीं है लेकिन हम उसको दस रुपए मान के चलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उसमें लिखा के रखती है कि ये एक चीज जो है वो टेन रुपीज की है तो उस टाइम पे उन्होंने भी ये सिस्टम ट्राई किया उन्होंने बोला सोने के सिक्के हम देते रहते हैं हम एक काम करते हैं हम कोई पीतल का सिक्का बनाते हैं या कॉपर का सिक्का बनाते हैं पीतल या तांबे का सिक्का बनाते हैं और हम बोलते हैं कि ये जो एक सिक्का है वो एक्चुअली एक सोने के सिक्के जितना है लेकिन उस टाइम पे लोगों ने ये सुना ही नहीं था तो उनको समझ नहीं आता था कि भाई तुम दे तो रहे हो पीतल तांबा तुम कह रहे हो ये है सोना इसका क्या मतलब होता है राइट तो उस टाइम पे वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे लोगों को समझ नहीं आ रहा था उसके ऊपर से एक और चीज़ क्या हो रही थी कि उस टाइम पे ट्रेड भी बहुत था कि हमारा दूसरे कंट्री से सामान आता था हमारा सामान वहां जाता था और ये जो एक्सचेंज होती थी उसके लिए वो लोग लो सिर्फ गोल्ड मानते थे तो अगर हमने कंट्री के अंदर भी ये पीतल तांबा का सिस्टम चला लिया जब हमें चाइना के साथ कुछ एक्सचेंज करना हो या कोई दूसरे कंट्री के साथ कुछ एक्सचेंज करना हो तो वहां पे तो गोल्ड ही चलाना पड़ता था तो ये भी बहुत ही जितना जल्दी उन्होंने आइडिया बनाया उतना जल्दी ही आइडिया बंद भी हो गया जैसे ही उन्होंने दिल्ली को दौलताबाद और फिर वापस दिल्ली में ले आए उसी तरह से उन्होंने ये कॉइन का सिस्टम स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही वो बंद भी हो गया एक और प्रॉब्लम क्या हुआ कि आ, उनका कोई अभी जैसे हमें एक रुपए का कॉइन कैसे पता है कि एक रुपए का है क्योंकि हमें दिखता है कि यहाँ पे वन लिखा होता है रुपये लिखा होता है एक साल लिखा होता है और यहाँ पे एक अलग टाइप का साइन बना होता है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये एक रुपए का ही कॉइन है उस टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसके वजह से क्या हुआ कि जो आम जनता थी जो लोग थे वो खुद के कॉइन्स बनाने लग गए और उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ये तो सरकार की तरफ से ही है ये तो राजा ने ही दिया है और ऐसी ही बहुत सारी फेक करेंसी बनने लग गई फेक कॉइन्स बनने लगे जो लोग यूज करने की कोशिश कर रहे थे और उसके वजह से लोगों के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई कि भाई असली वाला कॉइन क्या है जो गोल्ड के बराबर है और ये कॉइन क्या है जो लोगों ने बना रखा है लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है ये सरपिता यू हैव अ क्वेश्चन टीचर वो उनका क्या हुआ जिन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई थी और तुगलक ने बोला था कि उनको पैसे मिलेंगे उनकी फैमिली का ख्याल रखा जाएगा उनका क्या हुआ यस yes, तो एक्चुअली घियासुद्दीन तुगलक जो है वो मर गए और उनका जो फोर्ट है वो बंद हो तो गया लेकिन ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो भी बनाएगा मैं उसको इतना पैसा दूंगा उसका इतना ख्याल रखूंगा ये सारी चीजें हुई नहीं ये सब खाली उसने वादे करे लेकिन एक्चुअल में उसने उन लोगों की कोई भी मदद नहीं और फिर वो मर गए और फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या, क्या क्या किया उसने पहले तो कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश की कि दिल्ली से हम जाएंगे दौलताबाद वहां पे पानी खत्म हो गई तो सबको वापस शिफ्ट करना पड़ा दिल्ली उसके बीच में बहुत सारे लोग मर गए फिर उन्होंने सेकेंड चीज क्या ट्राई करी कॉइन्स का सिस्टम चेंज करना तो इस टाइम पे खाली गोल्ड कॉइन्स माने जाते थे उन्होंने कहा नहीं नहीं हम पीतल और तांबा का कॉइन बनाएंगे और एक पीतल का तम एक पीतल का कॉइन या एक तांबा का कॉइन कॉइन एक गोल्ड के बराबर होगा ये हम बता के रखेंगे लोगों लोगों को लेकिन लोगों ने भी भी इसका फायदा उठाया जिसके पास पीतल और तांबा था वो खुद खुद के बनाने लग गए और उन्होंने बोला हाँ हाँ ये तो राजा ने ही दिया है तो कुछ कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आ गया सडनली और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसके पास इतना पैसा क्यों आया क्योंकि उन्होंने फेक कॉइन्स बनाई और उसके बदले गोल्ड ले लिया बहुत सारा कि हाँ ये राजा की तरफ से है मेरे पास दस

and so the market was flooded with fake coins and the prices of products began to rise economics i know i'm sorry the sultan then asked the people to give back all metal coins in return for which they received silver and gold coins तो, तो फिर क्या किया कि जब उनको पता चला कि ये सिस्टम नहीं चल रहा है तो उन्होंने लोगों को बोला आपके पास जो भी पीतल तांबे के कॉइंस हैं आप वापस दो हम आपको गोल्ड कॉइंस देंगे हम ये सिस्टम बंद करने वाले और इसी टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पीतल और तांबे के खुद के कॉइन्स बनाने चालू कर दिए और उसके बदले गोल्ड ले लिया राइट तो इस टाइम पे अगर आप समझो कि मेरे पास बहुत सारा स्टील है और गवर्नमेंट आज बोलती है कि एक स्टील कॉइन के बदले आपको एक सोने का कॉइन मिलेगा और मैं अपने घर में ही बैठ के ये कॉइन्स बना लू और जाके उनको के मैं गोल्ड ले लू ढेर सारा तो मेरे पास पहले पैसे नहीं थे मेरे पास सडनली बहुत सारे पैसे आ गए

at the time severe famine had broken out there and these taxes just made everything a whole lot worse it resulted in serious peasant revolts and when the emperor एक और चीज जो उन्होंने करी उस टाइम पे कि दोआब नाम का एक एरिया था जो गंगा और यमुना के बीच में कहीं पड़ता था वहां पे बहुत अच्छी खेती होती थी और बहुत अच्छा प्रोड्यूस निकलता था बहुत अच्छी सब्जियां और गेहूं चावल ये सारी चीजें बहुत बनाई जाती थी वहां पे बीच में क्या हुआ कि वहां पर पानी पूरा सूख गया जिसके वजह से खेती कम होने लगी और उसी टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने बोला कि तुम मुझे आज से इतने पैसे हर महीने दोगे और लोगों को वो मुश्किल लगा क्योंकि हर महीने उनके पैसे उनकी खेती का जो सामान है वो बेच के ही आता था और अभी खेती नहीं हो रही है और उनको पैसे मांग रहे हैं ये राजा तो लोगों ने फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए या फिर उन्होंने आंदोलन किया कि नहीं ये गलत है तुम क्यों कर रहे हो हमारे हमारे साथ हमारे पास पैसे नहीं है हम कहां से तुमको पैसे देंगे मुस्लिम स्कॉलर एंड होली मैनसाइज नॉट पास विदउट्रीम्स ऑफ ब्लड रनिंग बिफोर द एंट्रेंस ऑफ हिस्स बैट तो क्यों उसको ब्लडी किंग बोला जाता है तो ऑब्वियसली वो चोरों को तो मारता ही था और उनको टॉर्चर तो करता ही था लेकिन उसको छोड़ के नहीं है तो उनको भी मर्डर कर देता था उनको भी फांसी दे देता था पब्लिक में उनके भी हाथ हाथ काट देता था उसको अच्छा नहीं लगता था कि कोई आके मुझे बोले कि मैं गलत हूं तो देखते हैं कि वो किस तरह की चीजें करता था This included cutting people in half, skinning them alive. तो जो चीजें उसने करी जिसके वजह से उसको ब्लडी किंग माना जाता है उसमें से एक चीज है कि लोगों को हाफ में कट कर देना मतलब जो जिंदा इंसान है उसको आधा दो पीस कर देता था कभी कभी जिंदा इंसान की पूरी चमड़ी निकाल देता था उनका पूरा जो स्किन है बाहर का उनका पूरा स्किन ही निकाल देता था तो तो oh, yes, By elephants, which had swords attached their एक और वो करता था कि उसके पास हाथी हुआ करते थे जो ज्यादातर फाइटिंग के लिए यूज होते थे उस, जो हाथी के जो वो बड़े बड़े टस्क होते हैं ना उनके आगे के जो दांत होते हैं जो पॉइंटी होते हैं वो दांत पे ही उन्होंने तलवार लगा के उन्होंने जो भी लोग उसको अच्छे नहीं लगते थे वो उनको ये हाथियों के बीच में छोड़ देता था और हाथी वो तलवारों के साथ खेल खेल के ये इंसान का पीस पीस कर देते थे तो लोग समझते थे कि ये एकदम पागल इंसान है ये क्यों कर रहा है ऐसे लोगों को मारना मतलब सिर्फ फांसी देना नहीं था कभी कभी बहुत बुरी बुरी तरह से वो लोगों को टॉर्चर करता था People were laid flat on their backs and on their chests was placed a red hot iron plate which was pulled off after a moment and took with it the flesh off their chests एक और बहुत ही डरावनी चीज जो वो करता था कि जो लोगों से उसका दुश्मनी रहता था वो उनको लेटा के उनके छाती पे एक गरम आयरन डाल देता था इस्त्री गरम वाला स्त्री डाल देता था और फिर उसको खींच के निकाल देता था तो, तो उनके पूरे की जो चेस्ट की जो आ, स्किन है वो पूरी जल के निकल आती थी राइट तो उसका जो लोगों को मारने का तरीका था वो सिर्फ मारने का नहीं था वो उनको बहुत ही ज्यादा पेन आ, फील कराना चाहता था कि उनको दर्द होना चाहिए उनको ये चीजें उनके बॉडी को जितना हम दर्द पहुंचा सकते हैं जितना कष्ट पहुंचा सकते हैं वो वो करने की कोशिश करता था जिसके लिए लोग उसको एकदम ही पागल मानते थे कि ये क्या करता है और जो स्त्री से स्किन एक बार निकल जाता था तो उसके अंदर वो जो नमक वगैरह डालते थे उसके खुले पे इसी चीज को हम टॉर्चर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि इसको मारना चाहिए तो मार देंगे लेकिन उसको कैसे तड़पा तड़पा के मारते थे वो लोगों को ऐसा नहीं कि किसी का मारना है तो फांसी है ना तो उनको काटना उनके बॉडीज को काटना हाथियों के बीच में फेंक देना स्त्री उनके बॉडी पे जला देना उनकी पूरी स्किन निकाल देना ऐसी पागलों वाली चीजें वो करा करती थे जो इससे पहले हम कोई भी किंग में नहीं देखते हैं अगर आप ध्यान से सोचो पिछले वाले क्लासेस के बारे में जब हमने

कोई कोई लोग आके बोलते थे कि भाई तुम किसी को भी टॉर्चर कर लेते हो तुमको ना बोलना कितना मुश्किल है कोई कोई लोग आके बोलते थे कि तुमने हमको दिल्ली से दौलताबाद भेजा वापस यहाँ लाए इतने सारे लोग मर गए तो बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होती थी उसके साथ और वो हमेशा उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे तो जितना उसका ट्वेंटी सिक्स था जो उसने राजा बना था उसमें से ट्वेंटी टाइम्स लोगों ने उसको निकालने की कोशिश की Uh, yes, दीदी बहुत खतरनाक राजा लोग सोचते हैं, तो लो हैं। yes, खतरनाक और एकदम ही पागल मतलब uh, तो कुछ लोगों को ठीक लगता था कि ठीक है अगर कोई चोरी कर रहा है तो काट दो उसका हाथ उसने चोरी क्यों की गलती तो उसकी है ये फिर भी लोगों को समझ आता था लेकिन अगर किसी ने आके उसको बोला कि भाई तूने ये किया वो गलत है वो उसके भी हाथ काट देता था कि तूने मुझे गलत कैसे बोला अगर उसने किसी को बोला कि तुम आ, मेरे लिए ये काम कर दो और किसी ने बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकता तो उसको वो लेके उसके छाती पे आ, आयन उसको जला देता था या उसका पूरा चमड़ी निकाल देता था या तो अः उनको हाथियों के बीच में फेंक देता था तो जैसे हम कभी कभी स्टोरी सुनते हैं ना कि राजाओं को जब गुस्सा आता है तो वो किसी को भी अः अ मार देते हैं किसी को भी टॉर्चर कर देते हैं कुछ इस तरह से था मोहम्मद बिन तुगलक जो हमने इससे पहले नहीं देखा है अगर आप इनके पापा को भी देखो घियासुदीन तुगलक या खिलजी डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी में किसी को भी देखो कोई भी इस तरह का पागल नहीं था राइट अलग अलग लोगों को गुस्सा जरूर आता था इनके पापा को भी गुस्सा आता था इनके पापा का भी झगड़ा चल रहा था अगर आपको याद है मैंने अभी बताया निजामुद्दीन औलिया के साथ उनके पापा का भी झगड़ा था लेकिन कभी भी उन्होंने उसको लेके उसको मारने की उसको काटने की उसको तडपाने की ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं जैसे मोहम्मद बिन तुगलक करता था। Great guy. The empire had shrunk, and his cousin Firouzah Tuglak inherited almost half of the empire. Okay. Uh... लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन और देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या लिखा गया um, हाँ, तो है आई आस्क डिफरेंट स्टूडेंट्स टू रीड वन वन पॉइंट हाँ रूबिया बोलो दीदी जब भी उन्हें मार गया तो उतर तो ये राजा लोग नहीं जाके उन लोग थे ना लोग उन लोग बहुत खुशी खुशी नाच नाचे रहेंगे ना Yes, जब इनका एंड हुआ और जब ये मर गए तो लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो भाई जो भी आएगा इसके बाद वो इसके तरफ पागल तो नहीं होगा तो लोग बहुत खुश थे क्योंकि लोगों ने बहुत टाइम से लोगों के मन में था कि कब ये जाएगा राइट right? कोई भी इससे ज्यादा खुश नहीं था किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता था ओके दिगंबर कैन यू स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट यहां तक Son of Gyasuddin Tulak. Hmm. He had and great ideas, but implementation was not good and people called him white fool. Next wallabiparlo. This third point also He know. had hmm. an open mind and was very well read. He gave high offices.

He had great ideas but implementation was not good. ही ideas बहुत अच्छी अच्छी आती थी तो जब उसने पहले बोला दिल्ली जो कैपिटल है वो साउथ इंडिया से बहुत दूर पड़ रहा है हमें कोई बीच का जगह ढूंढना चाहिए सबको लगा कि हाँ यार आइडिया तो सही बोला तूने कि ये जगह तो बहुत दूर पड़ रही है कोई बीच का जगह चुनेगा तो तेरा कंट्रोल हर जगह में अच्छे से रहेगा लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंटेशन करना था वो उसने बहुत ही घटिया तरीके से किया कि पूरे शहर को ही मूव करना पड़ेगा सबको लेके जाऊंगा साथ में कोई मरे तो मरे जिंदा रहे तो रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है जब उसने ये का भी आइडिया स्टार्ट किया आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन फिर एग्जीक्यूशन में या जब उसको आइडिया को इम्प्लीमेंट करना था जब उसको लागू करना था तब उसने वहां पर भी प्रॉब्लम कर दी राइट कि कोई अच्छा सी सिस्टम नहीं बनाया तो लोगों ने वो फेक क्वंस बनाने चालू कर दिए उसने पैसा इकट्ठा करने का सिस्टम सोचा कि ठीक है जो भी खेती कर रहा है हम उससे टैक्स लेंगे हम उससे पैसे लेंगे लेकिन वो भी उसने गलत तरीके से किया कि जिस दिन, जिस दिन साल में उनका बिल्कुल खेती नहीं हो रहा था उसी साल में उन्होंने टैक्स भी चालू कर दिया तो ऐसी कुछ चीजें उन्होंने करी जिसकी वजह से लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे लेकिन एक बात ये है जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो बहुत पढ़े लिखे थे उन्होंने अलग अलग चीजों की पढ़ाई की थी और कुछ चीजें थी जिसमें वो बहुत अलग थे इससे पहले के जब हम राजा देखते हैं तो अगर कोई हाई ऑफिस है तो उस टाइम पे जो राजा थे वो सिर्फ कैपिटल में रहते थे और बाकी जो अलग एरियाज थी वहां पे अलग अलग लोग होते थे जो मैनेज करते थे उनके लिए उनके अंडर में बहुत सारे लोग हुआ करते थे और राजा क्या करते थे कि अपने अंडर के जो लोग हैं वो, वो जो भी रोल वो इंसान निभा रहा है जब वो मर जाता था तो उसका बेटा आता था राइट right? तो समझो कोई अः उनका सिपाही है कोई आर्मी में है तो आर्मी में अगर कोई इंसान है और वो मर जाता है उसका बेटा ज्वाइन करेगा अगर कोई अकाउंट कर रहा है और वो मर जाता है उसका बेटा आएगा अगर कोई दूसरा एरिया संभाल रहा है वो मर जाता है उसका बेटा आएगा सारे राजाओं का यही सिस्टम हुआ करता था लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इस चीज को चेंज किया और उन्होंने बोला क्यों कोई फैमिली के रिलेशन के हिसाब से क्यों किसी को मैं काम दू मैं उसी को काम दूंगा जिसको काम समझ में आता हो और जिसको उसके बारे में कुछ पता हो बेस्ड ऑन मेरिट तो अगर मैं आर्मी में किसी को दे रहा हूं तो मैं उसका फिटनेस देखूंगा उसको लड़ाई करना आता है कि नहीं उसमें साहस है कि नहीं मैं वो चीजें देख के उसको दूंगा चाहे वो किसी का बेटा हो ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है और ये सोच भी काफी नई थी उस टाइम के लिए राइट right? Uh, एक और स्टोरी है इब्न बतूता के बारे में मैंने आपके लिए एक सॉन्ग भी प्ले किया था स्टार्टिंग में इफ यू रिमेम्बर इबन बतूता नाम का इब्न बतूता एक्चुअली एक ट्रेवलर था मुसाफिर था जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेवल करता था और वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से डेली आया था और उसने अपने स्टोरीज में भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि वो किस तरह का था क्या क्या चीजें करता था मैं आपको उसका भी एक छोटा सा वीडियो बता दूंगी Uh, एक और चीज उन्होंने क्या करी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम डेली टू देवगढ़ तो कैपिटल को शिफ्ट कर दिया डेली से लेके देवगढ़ तक देवगढ़ का नाम बाद में हो गया दौलताबाद तो कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली टू दौलताबाद एम्पायर फार फ्रॉम द साउथ तो उनका जो एम्पायर है जो किंगडम है वो काफी नीचे तक साउथ तक साउथ इंडिया तक एक्सपैंड हो चुका था और दिल्ली वहां से बहुत दूर था तो उनको एक ऐसा जगह चाहिए था जो बीच में हो ताकि उनका कंट्रोल रहे उन्होंने अपने सारे ऑफिसर्स को अपने सारे जनता को बोला तुम सब मेरे साथ दौलताबाद चलो और दौलताबाद जाने के कुछ साल बाद ही पानी के प्रॉब्लम की वजह से सबको वापिस आना गया ही ऑल्सो इंट्रोड्यूसड न्यू टोकन करेंसी सिस्टम मैंने आपको इसके बारे में भी बताया कि अभी जो है यानी एक तांबे का कॉइन उसका वैल्यू सोने जितना होगा ये एक नया सिस्टम उन्होंने चालू किया जो नहीं चला क्योंकि बाहर के जो ट्रेडर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे और लोगों ने खुद के फेक कॉइन्स बनाने चालू कर लिए थे तो कोई तरह का कंट्रोल नहीं था उनके पास ये सिस्टम के लिए उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीजें की थी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स मतलब खेती के सिस्टम में चेंजेस खेती का जो सिस्टम है उसमें उन्होंने काफी सारी चेंजेस की थी क्या थी ये चेंजेस उन्होंने खेती का एक सेपरेट सिस्टम बनाया था एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था उसके लिए अलग ऑफिसर भी थे कि तुम लोग मुझे बताओगे खेती में क्या प्रॉब्लम है लोगों को क्या चाहिए क्या अच्छा जा रहा है क्या अच्छा नहीं जा रहा है उसका अलग डिपार्टमेंट और उसको संभालने के लिए अलग लोग उन्होंने लोन्स भी देना चालू करा था फार्मर्स को तो उस टाइम पे जो खेती करने वाले होते थे जो किसान होते थे उनको लोन्स भी सीधा राजा से मिलता था कि राजा उनको इतने पैसे देगा वो अपना खेती करेंगे और फिर वो धीरे धीरे उसको चुकाते रहे और उन्होंने कुछ लोगों को हायर भी किया रिसर्च करने के लिए कि तुम ये जमीन लो तुम ये जमीन की पढ़ाई करो कि यहाँ पे कैसा मिट्टी है कैसा गर्मी है पानी आता है कि नहीं यहाँ पे खेती हो सकता है कि नहीं कौन सा क्रॉप यहाँ पे अच्छे से उगेगा ये सारी चीजों का रिसर्च उन्होंने स्टार्ट किया इससे पहले हम कोई भी राजा को रिसर्च में इन्वेस्ट करते हुए नहीं देखते हैं ये पहले राजा हैं जिन्होंने बोला कि नहीं रिसर्च जरूरी है अगर हम खेती में ज्यादा टाइम बिता रहे हैं हमें जानना चाहिए कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे अच्छा उगेगा यहाँ पे ज्यादा गर्मी है तो इधर ये अच्छा उगेगा यहाँ पे ज्यादा पानी है तो इधर चावल अच्छा उगेगा यहाँ पे ये है तो वहाँ पे वो उगाना चाहिए ये चीजों पे रिसर्च चालू हो गई थी ही लॉस्ट हिज पॉपुलरिटी अमंगस्ट पीपल एंड वॉज रिप्लेस्ड बाई हिज कजन फिरोज शाह तो उसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई लोगों के बीच में और जल्द ही उसके एक कजन थे उसके एक भाई थे फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने उनके बाद किंगडम को ले लिया और वो खुद राजा बन गए नेक्स्ट किंग थे फिरोज शाह तुगलक आई थिंक वी हैव वन मोर वीडियो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी फिरोज शाह तुगलक के बारे में In this video, we are going to be talking about Feroz Shah Tughlaq, who ascended the throne in 1351. He had analyzed how his cousin Muhammad bin Tughlaq's ideas had failed and so decided to get rid of almost all his decisions. He ruled according to the advice of the ulemas or the Islamic religious leaders. Feroz Shah Tughlaq restored peace. He introduced reforms such as removing all deaths on peasants during his reign. Trade taxes on Muslims were abolished, while extra jizya taxes were imposed on Hindu pilgrims. Those who converted to Islam were also rewarded with tax holidays. However, it is important to understand he only took this action to increase revenue. He issued a ruling that Muslim women. तो जब वो किंग बना उसने देखा कि उसके पहले जो किंग था मोहम्मद बिन तुगलक उसने ऐसा हाल कर रखा है कि किसी को वो किंगडम पे विश्वास नहीं है किसी को तुगलकों पे विश्वास नहीं है और कोई भी तुगलक के सपोर्ट में नहीं है तो उसने ये चीजें देखी कि उसने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे लोगों का सपोर्ट मेरी तरफ बढ़े तो उसने टैक्सेस बंद कर दिए कि जो लोगों से हम पैसे लेते थे हम वो पैसे लेना बंद कर देंगे और इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों को मार दिया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों को लेंगे और हम उनको उनकी हेल्प लेंगे बनाने के लिए तो हम सबको बहुत सारा पावर देंगे ताकि उनको लगे कि ठीक है ये राजा अलग है ये पिछले राजा जैसा पागल नहीं है ये कुछ अलग करने वाला है तो लोगों को साहस देने के लिए उसने इस तरह की बहुत सारी चीजें करी उसने टैक्सेस भी बढ़ाए लेकिन कुछ कुछ रिलीजन्स के लिए तो कुछ रिलीजन्स के लिए फ्री रहता था और कुछ रिलीजन्स के लिए बहुत ही हाई टैक्सेस हुआ करती थी और ये उस टाइम पे एक पहले राजा थे जिन्होंने वो किया था तो अगर किसी को मेक्का मक्का जाने का मन था तो उनको फ्री में मेक्का जा सकते थे कभी कभी राजा खुद पैसे देते थे कि ठीक है तुम मेक्का जाके आओ लेकिन अगर किसी और को कोई दूर के मंदिर में जाना होता था तो वो उसको बोलते थे तुम मुझे पैसा दो तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा और लोगों को ये चीजें भी अच्छी नहीं लगती थी लेकिन वो पहले राजा जितना पागल नहीं थे वो लोगों को यू uh, नो you know, खाली फुकट में लोगों को मारना या फिर काट देना uh, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना ये चीजें वो नहीं करते थे लोगों को लगता था ठीक है इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन काम चल, तो 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 चल जाएगा उन्होंने एक और चीज करी कि औरतों को घर से निकलना अलाउड नहीं है। अगर कोई बहुत ही अर्जेंट काम हो, तब भी औरतें घर से निकलेंगी वरना सारी जो औरतें हैं उनको घर के अंदर ही रहना पड़ेगा इससे पहले हम देखते हैं कि औरतों में थोड़ी फ्रीडम हुआ करती थी कि अगर उन्हें बाहर जाना है Uh, एक दूसरे से मिलना ये सारी चीजें अलाउड थी लेकिन जब फिरोज शाह किंग बन गए तो उन्होंने औरतों के फ्रीडम्स बहुत ही जल्दी खत्म कर दी कि औरतों को घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है सतलुज रिवर्स उन्होंने बहुत सारे कनाल्स बनाए जिससे पानी शिफ्ट हो सके यमुना और सतलुज के बीच में provide water for agriculture. He also began a shadicom style welfare fund to help orphan women find grooms and get married. To please the working classes of the army, he also implemented a rule that allowed the position in the army to be hereditary, thus allowing sons and even slaves to inherit their position. So first of all, that Muhammad bin Raja सबको मेरिट के बेसिस पे हायर करते थे राइट कि किसी को भी फैमिली रीजन के वजह से किंग uh, बनना अलाउड नहीं था ओनली इफ दे आर क्वालिफाइड अगर वो देखते हैं कि ये इंसान ये जॉब के लिए सही है तब भी वो उनको लेते थे तो फिरोज शाह ने क्या अलग किया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारे लिए जो लोग काम करते हैं वो खुश नहीं है क्योंकि वो अपना पूरा लाइफ हमारे लिए दे देते हैं और उनके बच्चों को कोई काम मिलता नहीं है तो उन्होंने वो सिस्टम वापिस बदल दिया

तो दिल्ली में उन्होंने एक ऐसा एरिया बनाया था जिसका नाम था फिरोजाबाद अगर आपने वो मूवी देखी है बसंती, दे बसंती तो रंग दे बसंती की शूटिंग इसी जगह में में। हुई थी फिरोजाबाद में। a तो अशोका के टाइम पे जो पिलर्स लगाई गई थी उन्होंने वो पिलर्स हटा के उसको भी फिरोजाबाद में शिफ्ट कर दिए हमने अशोका के पिलर के बारे में पढ़ा था जब हमने अशोका के बारे में एक पूरा क्लास किया तो जो भी पिलर्स उसने अलग अलग जगह के इंडिया में बनाई थी फिरोज शाह ने वो वहां में से दो पिलर्स निकाल के फिरोजाबाद में शिफ्ट कर दिए क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है प्लीज वेट विल बी डन इन फाइव टेन मिनट्स

और उन्होंने ऊपर इस तरह का एक टेरेस भी बनाया ताकि अंदर से जो लोग चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों से ऊपर जाए वहां वो खड़े होके पूरे सिटी को देख राइट? Right? तो ये एक्स्ट्रा एडिशन ने किया था। सकेज कॉन्ट्रीब्यूशनोज एंड लार्ज एंड ऑल्सोड इन मड्रासा स्कूल फॉर रिलीजियस एजुकेशन इनका तो दिल्ली में नाम का एरिया है वहां पे बहुत ही बड़ा एक टाइप का नदी हुआ करता था और ये नदी को उन्होंने अपने टाइम में एक्सपैंड किया था और उसको छोड़ के एक और चीज उन्होंने की कि उन्होंने एक मदरासा बनाया जहां पे बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जा सके जहाँ पे कुरान की पढ़ाई होती है After his death in उससे पहले हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के 26 इयर्स ऑफ रूल में ऑलमोस्ट 20 रेबेलियंस थे मतलब 20 बार ऐसा हो गया था कि लोगों ने कोई ना कोई रीजन के लिए आंदोलन किया और बोला कि भाई तुम निकलो यहाँ से लेकिन फेरोज शाह 37 इयर्स के लिए थे और उस टाइम पे एक भी जन ने आंदोलन नहीं किया या नहीं कहा कि हमें ये राजा नहीं चाहिए ज्यादातर लोगों को लाइक In 1388 CE, although there was massive chaos, his heir, Tughlaq Shah, was killed by supporters of Abu Bakr, who became emperor, and was then killed by Muhammad Shah. Taking advantage of all the confusion, Timur, a Mongol, invaded and toppled the Tughlaq dynasty in 1398, merely 10 years after Feroz Shah Tughlaq's rule. तो फिरोज शाह तुगलक के बाद आया एक इंसान जिसका नाम है अबू बकर और अबू बकर से स्टार्ट होती है सैयद डायनेस्टी की स्टोरी जो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे कल के क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सैयद एंड लोधी डायनेस्टी और उसी के साथ हमारा डेली सुल्तनेट का पोर्शन खत्म हो जाएगा ओके आ, मैंने दो और वीडियोज निकाली थी जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी Uh, एक था इब्ने बतूता के बारे में और एक था ये कैपिटल शिफ्टिंग के स्टोरी के बारे में वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास फेरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्या लिखा है कि वो मोहम्मद बिन तुगलक के कजन थे फेस्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग डेली सुल्तनेट टुगेदर एंड रिपेयर द मिस्टेक्स मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पे दिल्ली सुल्तनेट टूटने की हालत में था अलग अलग राजा बोलते थे हमें नहीं रहना इसका पार्ट हम जाने वाले हैं से हमें तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इतने मिस्टेक्स या इतनी गलतियां करी थी कि उसको ठीक करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फरोज शाह के सर पे आके गिरा उन्होंने एक न्यू पॉलिसी निकाली नोबिलिटी को अपीज करने के लिए मतलब जो भी बड़े ऑफिसर में लोग थे जो भी पोजीशन रखने वाले लोग थे उनके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें करी जैसे मैंने आपको बोला कि अगर वो मर जाते हैं उनके बेटे को पोजीशन मिल सकता है और उन्होंने उन्हें लगा कि अगर मैं ये करूंगा तो लोगों को जो मेरे लिए काम करते हैं वो लोग ज्यादा वफादार बन जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे बच्चे भी इधर ही काम करेंगे उनके बच्चे भी इधर ही काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी वफादारी बढ़ जाएगी और उन्होंने ये चीज आर्मी के लिए भी करी कि आर्मी का भी अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका बेटा वहां पे जगह ले सकता है ये चीज थोड़े लोगों को समझ में नहीं आई क्योंकि आर्मी में रहने के लिए एक तरह का फिटनेस लगता है लड़ाई करना आना चाहिए एक तरह का साहस होना चाहिए जो सब में नहीं होता है लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ भी हो अगर कोई आर्मी में है और वो मर गया तो उसका बेटा उसकी जगह लेगा मोहम्मद बिन तुगलक जो मेरिट के बेसिस पे हायर करते थे मैंने आपको बोला क्वालिफिकेशन देखते थे तुमने कितना पढ़ाई किया है तुमको कितना आता है तुमको ये चीजें समझ आती है कि नहीं वो सारी चीजें देख के मोहम्मद बिन तुगलक लोगों को नौकरी देते थे फिरोज शाह ने ये नहीं किया वो फैमिली रिलेशंस पे देते थे कि तुम्हारे पापा कौन है तुम्हारे चाचा कौन है तुम्हारे फैमिली में कोई मेरे लिए काम कर रहा है क्या अगर कर रहा है तो हाँ ठीक है मैं तुमको ले लूंगी उनको वेलफेयर किंग बोला जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें की लोगों के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि उन्होंने कैनाल्स बनाए उसको छोड़ के उन्होंने अस्पताल भी बनाए बहुत सारे अस्पताल बनाए उन्होंने विधवाओं के लिए घर बनाया तो उस टाइम पे मुस्कान प्लीज टर्न योर माइक ऑफ ओके तो उस टाइम पे अगर कोई विधवा हो जाता था अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उनको रोड पे ही छोड़ दिया जाता था तो इन्होंने विधवाओं के लिए घर बनाए ताकि उनके रहने के लिए जगह हो उन्होंने अनाथ अनाथालय बनाए जो भी अनाथ लोग हैं अनाथ बच्चे हैं उनके रहने के लिए जगह जिसको हम ऑर्फन बोलते हैं फॉर ऑर्फन और उन्होंने मैरिज ब्यूरो एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया इसका मतलब क्या होता है मैरिज ब्यूरो मतलब जो इस टाइम का शादी डॉट कॉम है कि अगर दो लोगों को शादी करनी है वो एक जगह जाते हैं और वो वहां पे एक डील बनाते हैं वैसे ही उन्होंने बीच के लोगों को रखा कि अगर किसी को शादी करनी है वो इन लोगों के पास जाएंगे और ये लोग रिश्ता लेके आएंगे शादी करवाने के लिए जिसको मैरिज ब्यूरो बोला जाता है सेम चीज उन्होंने नौकरियों के लिए भी करी कि अगर किसी को नौकरी चाहिए वो इसके पास जाएगा और ये आदमी उसको बताएगा कि क्या क्या नौकरी अवेलेबल है और वो उसके लिए नौकरी अवेलेबल कराएगा ये सारी चीजों की वजह से लोगों को बहुत सारी हेल्प हो गई तो उसने क्या क्या बनाया कनाल बनाए अस्पताल बनाए विधवाओं के लिए घर बनाई विडवो होम्स अनाथों के लिए घर बनाए ऑर्फनेज और दो तरह के ब्यूरो बनाए शादी के लिए नौकरी के लिए मैरिज ब्यूरो एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो उसने ज्यादातर टैक्स नॉन मुस्लिम से लिया कि जो मुसलमान नहीं थे उनको वो ज्यादा टैक्स करता था उसने थोड़े थोड़े टेम्पल्स में अटैक भी करा था जिसके वजह से उसको बहुत ही बुरा नाम दिया जाता है और उन्होंने औरतों का घर से निकलना बहुत ही मुश्किल कर दिया था काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये इस तरह के थे क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम्स के आ, 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 सिर्फ वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते थे लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने काफी सूफी सेंट्स को भी मारा है उन्होंने थोड़े थोड़े मुस्लिम फेस्टिवल्स को भी बैन कर दिया तो मुस्लिमों का एक फेस्टिवल होता है शबीबी रात उन्होंने शबीबी रात लोगों को मनाना से रोक दिया था तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ चीजें करते थे वो मुस्लिमों के खिलाफ भी चीजें करते थे आ, तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि भाई ये कर क्या रहे हैं और इसी के साथ खत्म होता है फिरोज शाह तुगलक का टाइम उसके बाद खत्म होता है फिरोज शाह तुगलक का टाइम आ, उसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका होमवर्क है कि आपको नोट्स लिखने हैं क्या नोट्स लिखने हैं आपको स्टार्टिंग में तुगलक डायनेस्टी का ये वाला पार्ट लिखना है कि कौन से किंग्स कितने टाइम के लिए थे कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपको गिया तुगलक के बारे में लिखना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखना है और फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखना है तो ये चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी आप प्लीज नोट्स लिख लेना ये वीडियोस के लिंक्स भी इधर ही रहेंगे आप उनको भी जाके दोबारा देख सकते हो कि कौन से वीडियोस हैं और उसमें क्या बताया गया है स्टोरी याद करने के लिए उसको छोड़ के ये क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं इसी पीडीएफ में स्टार्टिंग में ऐड करके आपको सेंड कर दूंगी